हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एमआई रेडमी नोट 11 में और वीवो वाई 33S में। देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। एमआई की है 6.43 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। वीवो की है डिस्प्ले 6.58 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल। इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। MI में आपको 19 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और पंचुअल कैमरा भी मिल जाता है। वीवो में ही 60 हर्ज का और वर्ल्ड टॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी में MI बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की। MI का है स्नैपड्रैगन का 680 का, CPU है 2.4 का हार्ट ऑक्टाकोर का, 6 नैनोमीटर्स का फिनफेट। वीवो का है मीडियाटेक का G80 का, CPU है 2.0 का हार्ट ऑक्टाकोर का, 12 नैनोमीटर्स का फिनफेट, GPU है G52 का। और बात कर लेते हैं बैक कैमरा की, तो MI का है क्वाड में, मेन कैमरा है 50 का, फिर 8 का, फिर 2 का और फिर 2 का। वीवो का है ट्रिपल, मेन कैमरा है 50 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। MI का है 13 का, वीवो का ही 16 का, दोनों के कैमरे तो बेस्ट हैं। बात की जाए बैटरी लाइफ की, दोनों में सेम ही 5000 mAh की मिल जाती है। दोनों की बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और MI में चार्ज मिलता आपको 33 वाट का, वीवो में ही 18 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है। दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है। दोनों की है वारंटी 1 साल की और दोनों में ही कनेक्टिविटी 3G और 4G की। MI में रैम है 4GB और 6GB की, वीवो में रैम है 8GB की। MI की मेमोरी है 64GB 128GB की, वीवो में 128GB की। दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास है, बैक में प्लास्टिक है। दोनों में आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की। MI का है 13,499 रुपये, वीवो का है 17,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन लेना है तो आप MI के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है।